हे गाइज व्हाट्स अप, आई एम करन एडिट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज 15 अगस्त आने वाला, तो गाइज मैंने सोचा कि गाइज इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट हो जाए। तो गाइज मैं आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट लेकर आ गया हूँ। एंड गाइज इसमें जितने बैकग्राउंड पेजेस का यूज़ करूँगा मैं, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के बाद आप सिंपली जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज वीडियो को पूरी एंड तक देखना, स्किप मत करना, कोई भी स्टेप आपने मिस कर देता है यार फोटो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। एंड गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार प्लीज़ लाइक कर देना। आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर, वीडियो थोड़ी मज़ेदार होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज सबसे पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को ओपन करना है, फिर उसके बाद गाइज आप सभी को जाना है एड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को अपने मॉडल को लेकर आना है। एंड गाइज आप सभी को बता दूं, मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रिस्क कर रखा है। एंड गाइज जिसको बैकग्राउंड रिस्क करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ वीडियो को देखो। एंड गाइज वीडियो को देखने के बाद बैकग्राउंड को रिस्क करो। सो गाइज मैंने मॉडल कर लिया है फिक्स एंड कर लिया मैंने डन, ठीक है। एंड उसके बाद जाएंगे टूल्स में एंड जाएंगे एडजस्ट में। एंड गाइज इसकी ब्राइटनेस कर देंगे बिल्कुल जीरो, मतलब गाइज माइनस बिल्कुल 100, ठीक है गाइज। एंड करें जाएंगे रेजर टूल में, ठीक है। एंड इनकरेक्ट करेंगे। एंड गाइज ये ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके साइज को हम थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज हम फोटो को जूम करेंगे। एंड गाइज अपने शूज़ के नीचे पेंट करेंगे, ठीक है गाइज, जिससे गाइज ये हमारी शेडो बनेगी, ठीक है। सो गाइज ये ट्रिक आपको कैसी लगी शेडो बनाने की, तो गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है गाइज। एंड उसके बाद गाइज मैं इसको पहले फटाफट से पहले मैं इसको यहाँ पे नीचे शेडो बना लेता हूँ, ठीक है गाइज। परफेक्टली हमारी शेडो बन चुकी है। एंड गाइज अब करेंगे हम डन। एंड गाइज जाएंगे एड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइज हम उसका फ्लैग का पीएनजी लेंगे, ठीक है गाइज। एंड उसके बाद हम इसको सिंपली यहाँ पे अपने मॉडल के पास ऐड करेंगे। तो गाइज मैं पहले फ्लैग का पीएनजी ले लेता हूँ, ये गाइज मैंने ले लिया, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी करना है गाइज इसके साइज को आपको इस तरीके से बड़ा करना है। एंड गाइज आपको पोज आपके हिसाब से जिस मर्जी से देना हो आप दे सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये पोज भी मेरा थोड़ा सही नहीं लगा गाइज, मैंने गूगल से इस मॉडल को डाउनलोड किया है। तो गाइज मैं गाइस पहले इसकी ब्राइटनेस उसके ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ, ठीक है। एंड चलते हैं इरेजर टूल में, ठीक है। एंड करते हैं इरेजर को सिलेक्ट एंड करेंगे सिंपली हम इरेज। एंड गाइज अब हमने कर लिया इसको परफेक्टली इरेज। एंड गाइज करेंगे इसकी ओपोसिटी को 100, ठीक है गाइज। एंड उसके बाद करेंगे सिंपली इरेजर टूल में जाके। एंड गाइज अभी हैंड के पास हमें इरेज करना है, ठीक है। सो हम इसको सिंपली इरेज कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ तक हमारा इरेज हो चुका है, तो आप कर लेते हैं डन। एंड गाइज उसके बाद क्या करना है आप सभी को, गाइज दोबारा से एड फोटो में जाके गाइज एक पीएनजी और लगाना है, ठीक है। सो हम चलते हैं नीचे स्क्रॉल करके। एंड गाइज ये टेक्स्ट का पीएनजी है गाइज, इसको हमें लगाना है सिंपली अपने इस तरीके से इधर, ठीक है। सो गाइज पीएनजी भी हमारी लग चुकी है, तो गाइज अब जाएंगे हम टूल्स में, ठीक है। जब डोज बन देंगे गाइज हम मॉडल को, तो गाइज देंगे एडजस्ट में, ठीक है। एंड ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे। एंड गाइज जाएंगे रेजर टूल में, ठीक है। एंड इसको करेंगे इनकरेक्ट एंड ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। एंड गाइज सिंपली हमें अपने फेस के ऊपर इस तरीके से पेंट करना है, एक इधर करेंगे गाइज हम, ठीक है। पहले गाइज इसको ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं साइज को छोटा करता हूँ। एंड गाइज एक इधर, एक इस तरीके से, ठीक है। सो अब इसके हम ब्राइटनेस को हम गाइज अपने आप से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको इतना रखता हूँ, ठीक है। बिल्कुल मतलब कम ही रखे जाएगा इस, आपको इतना दिखना चाहिए कि गाइज ज़्यादा ना लगे, बस मतलब मिनिमम मैक्सिमम रखना है, ठीक है। सो गाइज हम एक बार और देख लेते, अब कोई हमारा पीएनजी तो नहीं छूट गया। तो गाइज मैक्सिमम हमने सारे पीएनजी लगा लिए, तो गाइज अब हम इस फोटो को करते हैं सेव। एंड इसमें रहेगी हमारा कलर करेक्शन जो कि हम करते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइज पहले हम यहाँ से बैक हो जाते हैं, ठीक है। सारी पीएनजी हमने लगा लिए,
तो गाइज हम पहले जाएंगे इसको ड्रॉ टूल में जाके फोटो को सेव करेंगे एंड लाइट रूम ऐप में इसको रिटच करेंगे। तो गाइज चलिए चलते बैक एंड ओपन करते हैं लाइट रूम ऐप को। एंड गाइज अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार प्लीज़। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है, इसको लगा दो। एंड गाइज इसके बाद मैंने मॉडल को ले लिया, ठीक है। एंड इसके बाद गाइज आप सभी को जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में, ठीक है। हाईलाइट्स को कम नहीं गाइज बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड शेडो को कम करना है, ठीक है। वाइट को बढ़ा लेना है, ठीक है। एंड ब्लैक को कम करना है, ठीक है गाइज। एंड इसके बाद गाइज जाना आपको नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ाना है, मिक्स में जाना है, ठीक है। रेड कलर के ह्यू को बढ़ाना है, ठीक है। एंड ऑरेंज कलर को लेना है। एंड गाइज सेचुरेशन को आपको हल्का सा 4 माइनस करना है। एंड गाइज ल्यूमिनस को बढ़ाना है, ठीक है। एंड ग्रीन कलर को लेना है, ठीक है। एंड ह्यू को बढ़ाना है, सेचुरेशन को बढ़ाना है, ल्यूमिनस को कम करना है, ठीक है गाइज। एंड करना है ऐसा डन, ठीक है। यहाँ का हमारा काम हो चुका है। तो गाइज चलते हैं हम नीचे वाले टूल में, ठीक है। इसको क्लियरिटी को बढ़ाएंगे फोटो की, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज डेज जो है इसको हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। एंड गाइज विगनेट को भी कम करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट को बढ़ाएंगे 100%, फेदर बढ़ा देंगे, राउंडनेस को भी बढ़ा देंगे। एंड गाइज फोटो करेंगे शार्प। एंड नॉइज डायरेक्शन को बढ़ाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद कलर नॉइज डायरेक्शन को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। सो गाइज हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर भी मत जाना। मैं आप सभी से मिलता हूँ किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।